हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ रहे हैं सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फॉर क्लास 8th एंड 9th। इसमें आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसमें हमने बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंट्रोडक्शन, देयर स्ट्रक्चर, देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। तो फैक्ट्री का वर्क क्या होता है, पहले हम उस पर एक नज़र डालेंगे। फैक्ट्री का फर्स्ट वर्क होता है मटेरियल्स को असेंबल करना, दैट मीन्स कलेक्ट करना। नेक्स्ट वर्क ऑफ फैक्ट्री इज असेंबल किए हुए मटेरियल्स को मॉडिफाइड करना, मीन्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज करना। नेक्स्ट वर्क इज मॉडिफाइड मटेरियल्स को पैक करना। एंड लास्ट वर्क इज पैक किए हुए मटेरियल को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अब हम आज गॉल्जी अपैरेटस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, और यह भी सेल ऑर्गेनेल का वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। गॉल्जी अपैरेटस में फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इट्स इंट्रोडक्शन। तो गॉल्जी अपैरेटस को फर्स्ट ऑफ ऑल इटालियन फिजिशियन कैमिलो गॉल्जी ने डिस्क्राइब किया था। ये आपके MCQ में इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, इसलिए इसे आपको याद रखना चाहिए। कैमिलो गॉल्जी ने गॉल्जी अपैरेटस को नर्व सेल में माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया था। नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ गॉल्जी अपैरेटस। पिक्चर में जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ पिचके हुए बैलून्स एक दूसरे के पैरेलली, मींस एक दूसरे के सामने अरेंज रखे हुए हैं। वास्तव में ये पिचके हुए बैलून्स नहीं हैं, ये गॉल्जी अपैरेटस के पार्ट्स हैं जो पिचके हुए रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं और पैरेलली अरेंज्ड हैं। तो इस पिचके हुए फॉर्म को, गॉल्जी अपैरेटस के इस पिचके हुए फॉर्म को हम सिस्टर्नी कहते हैं, और ये सिस्टर्नी कलेक्शंस में हैं, यानी मोर देन वन है, इसलिए कलेक्शन ऑफ सिस्टर्नी को हम गॉल्जी बॉडीज के नाम से जानते हैं। मींस जब हम एक पिचके हुए बैलून को देखेंगे तो ये हमारा सिस्टर्नी कहलाएगा, और नंबर ऑफ जब सिस्टर्नी को एक साथ हम बोलेंगे तो उसे हम गॉल्जी बॉडीज के नाम से बोलेंगे। गॉल्जी अपैरेटस के आसपास आपको राउंड शेप्ड बैलून्स दिखने को मिल रहे हैं, ये बैलून्स नहीं हैं, इसे हम वेसाइकल्स कहते हैं जो गॉल्जी अपैरेटस के पास में स्कैटर्ड होते हैं। गॉल्जी अपैरेटस एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं। इस गॉल्जी अपैरेटस के चारों तरफ मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, मतलब वो क्लोज होता है, और गॉल्जी अपैरेटस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। दस वी कैन से दैट गॉल्जी बॉडीज प्लस वेसाइकल्स इज इक्वल टू गॉल्जी अपैरेटस और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टर्नी। तो जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी दो फेज में पाए जाते हैं,
और गॉल्जी अपैरेटस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए गॉल्जी अपैरेटस ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में सिस्टर्नी दो फेज में पाए जाते हैं, फर्स्ट फेज सिस फेज एंड सेकेंड फेज ट्रांस फेज। तो फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टर्नी को पहले हम समझते हैं। पिक्चर से आपको क्लियर है कि सिस फेज ऑफ सिस्टर्नी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ एंड न्यूक्लियस की तरफ ये घूमे हुए होते हैं। ट्रांस फेज ऑफ सिस्टर्नी, ट्रांस फेज में जो सिस्टर्नी होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपोजिट घूमे होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ घूमे होते हैं। ये जो आपको बॉन्डी टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ट्रांस फेज ऑफ सिस्टर्नी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अकरेंस। अब हमें यह समझना है कि गॉल्जी बॉडीज और गॉल्जी अपैरेटस कौन कौन से सेल में पाए जाते हैं। गॉल्जी अपैरेटस बोथ प्लांट और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। तो पहले हमें देखना है कि ये एनिमल सेल में कैसे पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल नियर टू न्यूक्लियस एज अ नेटवर्क। जब हम एनिमल सेल को माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी करेंगे तो उसमें हमें गॉल्जी अपैरेटस न्यूक्लियस के पास में नेटवर्क की तरह देखने को मिलेंगे और प्लांट सेल में गॉल्जी अपैरेटस फ्रीली फॉर्म यहाँ वहाँ हमें स्कैटर्ड मिलेंगे और स्कैटर्ड फॉर्म को हम डिक्टायोजोम्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि सेल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट सेल ऑर्गेनेल भी होता है और सेल ऑर्गेनेल में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर स्कैटर्ड होते हैं जिसमें एक गॉल्जी अपैरेटस भी है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि गॉल्जी अपैरेटस साइटोप्लाज्म में लोकेटेड होता है, यानी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और यह साइटोप्लाज्म में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद और न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में पाया जाता है। अब हमें फंक्शंस ऑफ गॉल्जी अपैरेटस पढ़ना है। तो फैक्ट्री के वर्क में मैंने आपको दिखाया था कि असेंबल किए हुए मटेरियल्स को मॉडिफाई किया जाता है तो हमारा मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार हो चुका था अब उसे गॉल्जी अपैरेटस मॉडिफाइड करेगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो RER में प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद ये सिंथेसाइज किए हुए प्रोटीन वेसाइकल्स के रूप में गॉल्जी अपैरेटस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और गॉल्जी अपैरेटस में जब ये प्रोटीन पहुंचते हैं तो गॉल्जी अपैरेटस में पहले से मौजूद ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन रिएक्ट करता है और इस टाइप से ग्लाइकोप्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। SER में लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, ये मैंने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था। तो SER में जब लिपिड का सिंथेसिस हो जाता है तो सिंथेसाइज हुए लिपिड्स को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल्स के फॉर्म में गॉल्जी अपैरेटस को ट्रांसपोर्ट कर देता है और गॉल्जी अपैरेटस में लिपिड्स आने के बाद में गॉल्जी अपैरेटस में पहले से मौजूद ग्लूकोज के साथ में ये लिपिड्स रिएक्ट करते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स का सिंथेसिस होता है।
सेकेंड वर्क इज पैकेजिंग, जो मॉडिफिकेशन ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के हुए थे वो गॉल्जी अपैरेटस में गॉल्जी वेसिकल्स के रूप में मॉडिफाइड होके पैक हो जाता है। थर्ड वर्क इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ये गॉल्जी वेसिकल्स में जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स स्टोर्ड हुए हैं उसे अब फाइनल प्लेस तक पहुंचाना होता है। तो फाइनल प्लेस तक पहुंचाने के लिए ये गॉल्जी वेसिकल्स उसे जो हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं उसे जहां भी आवश्यकता होती है, चाहे वो विद इन द सेल हो और फ्रॉम आउटसाइड द सेल हो, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है, मीन्स भेज देता है। मतलब कि सेल के अंदर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो गॉल्जी वेसिकल्स के रूप में वो स्टोर हो जाता है, और एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेल के बाहर एक सेल से दूसरे सेल या बिल्कुल ही सेल के बाहर में उसको सिक्रीशंस के रूप में निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से गॉल्जी अपैरेटस को हम मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग यूनिट ऑफ द सेल कह सकते हैं। गॉल्जी अपैरेटस का एक मेन वर्क ये भी है कि गॉल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम्स, और ये लाइसोजोम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस तरह अभी तक हमने पढ़ा है गॉल्जी अपैरेटस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा भी कि गॉल्जी अपैरेटस में सिस्टर्नी पिचके हुए बैलून की तरह दिखते हैं, और कलेक्शन ऑफ सिस्टर्नी को हम गॉल्जी बॉडीज बोलते हैं, और गॉल्जी बॉडीज के आसपास जो राउंड शेप स्ट्रक्चर होते हैं उसे वेसिकल्स बोलते हैं, और गॉल्जी अपैरेटस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। गॉल्जी बॉडीज प्लस वेसिकल्स इक्वल टू गॉल्जी अपैरेटस। फेजेज ऑफ सिस्टर्नी में हमने देखा था कि गॉल्जी अपैरेटस ओनली यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, और सिस्टर्नी के दो फेज होते हैं, सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज में सिस्टर्नी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ एंड न्यूक्लियस की तरफ होते हैं, और ट्रांस फेज में सिस्टर्नी अपोजिट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ होता है। अकरेंस में हमने देखा कि गॉल्जी अपैरेटस प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में यह न्यूक्लियस के पास में नेटवर्क की तरह पाए जाते हैं, और प्लांट सेल में यह फ्रीली फॉर्म होते हैं जिसे हम डिक्टायोजोम्स बोलते हैं। लोकेशन में हमने देखा था कि गॉल्जी अपैरेटस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद और न्यूक्लियस के पास में होता है। फंक्शंस में हमने पढ़ा है मॉडिफिकेशन, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का सिंथेसिस होता है। पैकेजिंग, पैक किए हुए मटेरियल्स को गॉल्जी वेसिकल्स के रूप में, मॉडिफाइड किए हुए मटेरियल्स को गॉल्जी वेसिकल्स के रूप में पैक किए जाते हैं, और फिर पैकिंग गॉल्जी वेसिकल्स को उसके डेस्टिनेशन तक यानी उसके फाइनल प्लेस तक सेल के अंदर और सेल के बाहर में उसे सिक्रीशंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। इस तरह हम गॉल्जी अपैरेटस को मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग यूनिट ऑफ द सेल कह सकते हैं। गॉल्जी अपैरेटस फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम में भी इन्वॉल्व्ड होता है, और लाइसोजोम्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।